मोदी यहाँ से अगर 6 सीट भेज देता 6 की 6 पार कर देते हम। हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत जो कितना वोट पड़ने वाला है? हरीश रावत को वोट पिछले तक कम रहा होगा। और जो हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, इनका काम ही है ये भ्रमित करने का। इन्होंने लोगों को आज तक भ्रमित करने का काम किया है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्या कार्य किए, पूछे आप उनसे जाकर के। कलियर के सारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि हम लोग इस बार यहाँ से कमल खिला के भेजने वाले हैं। कलियर विधानसभा से करीब 50,000 वोट अब की बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। अजीब पूरा हाथ होगा जी, भी तो कुछ करेगा, पंजा क्या कर लेगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस ने 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। समझ लीजिए कि वो पूर्ण बहुमत के लिए भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो 400 प्लस की बात कर रही है। और निश्चित रूप से अगर केवल एक राष्ट्रीय दल की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्ण बहुमत के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं वो खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। आपने देखा है खानपुर में हमारा जो रोड शो था उसमें कितना जबरदस्त उत्साह था। आपने देखा मुख्यमंत्री जी की जो हमारी रैली थी झबरेड़ा में उसमें कितना उत्साह था। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जुनून है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कलियर विधानसभा में 48+ के साथ में विजयी होगी। दोनों के नाम पर और विकास के नाम पर आप देख लीजिए हमारे पर जो प्रधानमंत्री और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे मिल के पत्थर स्थापित किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वर्तमान में युवा मुख्यमंत्री धामी जी हैं उन्होंने भी ऐसे कार्य किए हैं। UCC लाए हैं, नकल विरोधी कानून लाए हैं। अगर मैं आपको गिनवाने लगूँ तो गिनती खत्म नहीं होगी, इतने हमने कार्य किए हैं। और उसी के आधार पर हम जो 48+ की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ये सब एक रूमर फैलाने के लिए कह रहे हैं, जबकि जनता इस बार भ्रमित होने वाली नहीं है। और जो हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, इनका काम ही है ये भ्रमित करने का। इन्होंने लोगों को आज तक भ्रमित करने का काम किया है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्या कार्य किए, पूछे आप उनसे जाकर के। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कलियर विधानसभा में हमें लोकसभा यहाँ से जिता के चलनी है। और ये जनसमूह आप देख रहे हैं पूरा भगवामयी हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। और ये रोड शो हमारा आज दरियापुर से होके विभिन्न ग्राम पंचायतों से होते हुए गांवों से होते हुए हमारा समापन बारापुर मोरी पतंजलि योगपीठ पर होगा। कलियर में कम से कम हमें 1.5 लाख वोटों से जीत के चलेंगे, 50-60 हज़ार वोटों से जीत के चलेंगे। ये रोड शो तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, प्रत्याशी का नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। ये एक महापर्व है, कोई नहीं है चक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। आज हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है उनके द्वारा कलियर विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक भी गाँव ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। वो प्रत्येक गांव में आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाने वाले हैं। बिल्कुल जीतने वाली है कलियर विधानसभा लोकसभा में जीत के जाने वाली है। कलियर के सारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि हम लोग इस बार यहां से कमल खिला के भेजने वाले हैं। ये भव्य और दिव्य रोड शो अभी आप देखेंगे किस प्रकार से इस बार हम कलियर विधानसभा को में 48,000 मत जो है भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने वाले हैं। और पूर्ण बहुमत के साथ में हम यहाँ पर 400+ मोदी जी के लिए जो है इस सीट को भी 5 लाख मतों से जो है हम हरिद्वार की जो सीट है उसे जीतने वाले हैं। और हम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हम 5 लाख मतों से जीता करके हम लोकसभा में भेजने वाले हैं। ये हमारे अंकल जी हमें और देने अपने काम के लिए सैंपल में कमल के फूल के मोदी जी के लिए विकास के लिए जो हमारा करेगा विकास वोट होगी उनकी विकास कर रहे हमारे मोदी जी। भारत जिंदा पार्टी जिंदाबाद थी जिंदाबाद रहेगी। विकास तो हमारे बहुत हो, किसान के लिए बहुत विकास हो गया, उनकी पेंशन आ रही है 2000 पेंशन आ रही है किसानों के लिए। किसान गन्ना पेमेंट हो गया, भुगतान सब हो गया किसानों के लिए। किसान किसी भी माफ़ हो लिया 1 लाख रुपये जो हमारे यहाँ भी हुआ वहाँ वो माफ़ हो गया किसानों के लिए। सड़कें इतनी अच्छी बन गई, हमारे यहाँ 4 हाईवे बन गई, गड्ढे मुक्त हो गए। पहले हमारे यहाँ क्या था, कुछ नहीं आया था।
भैया युवा रोजगार देखो, पढ़ो और अपना रोजगार लो। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, गंगा विकास की बहाई हुई है, चारों तरफ आप देखिए विकास ही विकास हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, कहीं दंगा फसाद नाम की चीज नहीं है। किसान भाई का अगर इंजन ट्रैक्टर बाहर खड़ा है तो सुरक्षित सबक मिलता है। जब दूसरे अन्य दलों की सरकार हुआ करती थी तो खेत में जाने के लिए डर लगता था, इंजन चोरी हो जाते थे, मोटर चोरी हो जाते। आज देखिए राम में हो रहा है पूरा हिंदुस्तान, और कहीं भी इस तरीके से छोटी मोटी घटना नहीं होती है। विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांग रही है। आप देखिए पहले 8 घंटे 7 घंटे दिल्ली जाने के लिए लगते थे, अब 2-2.5 घंटे दिल्ली जाने के लिए लगते हैं। सड़कें जहाँ हम खड़े हैं, कितने पहले पहले खड्डे हुआ करते थे दूसरी सरकारी, आज भगवानपुर से हरिद्वार के लिए आधा घंटा लगता है और कहीं भी किसी सड़क पर कोई गड्ढा नहीं मिलता है। विकास की गंगा डबल इंजन की सरकार बहा रही है, और सरकार और विकास के नाम पर ही हम जनता के बीच वोट मांग लेने जा रहे हैं। कल्याणी विधानसभा से करीब 50,000 वोट अबके बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा, क्योंकि आप 4 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके मुख्यमंत्री काल में अनेक योजनाएं हुई, आपके मुख्यमंत्री काल में आयुष्मान का आविष्कार हुआ जो 5 लाख रुपए तक का गरीब जनता के लिए हेल्प कार्ड मिला हुआ है, वो आपके कार्यकाल में हुआ था। और देखिए त्रिमंदे जी का 4 साल का कार्यक्रम बिल्कुल कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ऐसे हमने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हमारे बीच है, उनके नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोट मिल रही है। जब तक हमारा देश विकसित नहीं रहता तब तक तो विकास के कार्य चलते ही रहेंगे। अभी हम विकासशील देश में हैं और जितनी भी जन कल्याण योजनाएं चल रही है उनके माध्यम से सभी पूरे देश को विकसित करना है। जब तक देश विकसित नहीं रहेगा जब तक विकास के कार्य चलते रहेंगे और विकास के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। देखो कितना तो बता सकते हैं, लेकिन अब की बार कल विधानसभा से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के निकलेगी। उत्साह तो आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। नहीं विपक्ष ही कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता ही इतने हैं, तो उत्साह होने की स्वाभाविक सी बात है। कल्याण से मुस्लिम वोट अब की बार भाजपा को पड़ेगा, और पहले ही पड़ा है। हमारी विधानसभा के चुनाव में भी मुस्लिम वोट काफी मात्रा में विधान भाजपा को पड़ा था, कांग्रेस को पड़ता ही है, कांग्रेस को अलग पड़ता है, और क्या नाम इसका अदर पार्टी को जो पड़ता है जो वो अलग अलग पड़ता है सबको। कल्याण विधानसभा सीट अब की बार 2027 में निश्चित ही निकल जाएगी। भाई सबका मिलेगा, कोई अंधा लंगड़ा लुल्ला तो वो चाहे छोड़ दियो, अरे सबका मिलेगा एक डब्बा। भारतीय जनता पार्टी जितनी चाहो जीतो, अगर जीतोगी इतनी तो गिनी नहीं जानेगी। हरीश रावत उसका तो निशान हाथ का कटा है, क्या कर सका, कुछ भी नहीं करता। और जी पूरा हाथ होगा जी भी तो कुछ करेगा, पंजा क्या कर लेगा। कल्याण जो विधानसभा सीट है इस पर कुछ सैनी वोट भाजपा का जो वोट है कुछ कम पड़ रहा है, और जब ऐसा मतलब मोमना वोट ज्यादा पड़ रहा है वो कांग्रेस की तरफ भाग रहा है, इसलिए यहाँ कुछ चूक है थोड़ी सी। मुस्लिम वोट तो अब भी कांग्रेस की तरफ ही जाएगा, कुछ है मतलब 5-10% होगा इधर। भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट आने वाला है मुस्लिम समाज का कल्याण विधानसभा से? 10%। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं कि इस बार मुसलमान का वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। झूठ है, 10-15% या सबसे ज्यादा नहीं आने का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं। अजय नहीं कार्यकर्ता है, लेकिन सिर्फ जितने की भारतीय जनता पार्टी यहाँ की और वोट से सब भारतीय जनता पार्टी का वोट। पार्टी क्यों नहीं जीतेगी ये बताओ कारण क्या? और पार्टी ना जीत, और पार्टी का तो यहाँ बोलबाला खत्म हो लिया हो। क्यों बोलबाला खत्म भाई? उन्होंने भी कोई एक तो विदेशों में मान बढ़ा भारत का, अरे एक देश की सुरक्षा हुई, अरे एक नारी का सम्मान हो, इस तब क्या हो मन चाह रहा कुछ भी मतलब और इससे बड़ा और क्या? आप कहीं घूम रहा है कोई भय नहीं, भयंकर मुक्त शासन है। जो महंगाई है, रोजगार की समस्या है, इसके बारे में रोजगार तो ये चलते रहे तो पहले तो ऐसे ही चले आ रहे, ऐसे ही चलते रहोगे। अग्निवीर के बारे में तो पता है आपको, अग्निवीर जो लागू हुआ था, जो प्रधान अग्निवीर लागू हुआ वो अच्छा हुआ गलत हुआ? पहले नौकरी पूरी मिलती थी, अब सिर्फ चार साल की नौकरी रह गई। नहीं जो का तो वही सब जो उसका वह सब मिल रही हो नौकरी भी, जो उसका कार्यकर्ता मतलब मान लिया जो ग्रेजुएट है नौकरी मिल रही हो, जो नहीं है वो सब नहीं मिल रही। रावत की क्या स्थिति मानते आप कांग्रेस? हरीश रावत की क्या स्थिति मानते कांग्रेस की? कल हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत जो कितना वोट पड़ने वाला है? हरीश रावत को वोट
पिछले से कम ना होगा, ऐसा ही होगा जनता का रुख भाजपा का हो गया सारा। उमेश कुमार अजय, उमेश कुमार जी जो निर्दलीय कुमार भी नहीं नाम उसका कोई नहीं, और देखो निर्दलीय कौन वोट जाएगी पार्टी को वोट जाएगी भाजपा को, उमेश कुमार को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। लोग बाग तो बोल रहे हैं कि उमेश कुमार जी ने बहुत शादियाँ कराई, बहुत कार्य कराए, तो इसलिए हम वोट देंगे। नहीं नहीं वो कोई नहीं काम, या कोई सा कोई देखना है, पार्टी को वोट देंगे सब, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जनता, ज़्यादा यही जीतेगी यहाँ से। उमेश कुमार जी ने जो शादी कराई वो अच्छा किया है। अरे नहीं कोई नहीं, उमेश कुमार कहो जाओ अपने कहने का कोशिश नहीं है, जनता के ऊपर निर्भर है मामला, जनता भाजपा को देगी, भाजपा को चाह रही है, यही पार्टी एक ऐसी है जो यहाँ चलेगी। शहजाद है जो शहजाद जी है लक्सर विधानसभा से, वो बोलते हैं कि मैं मुसलमान की कौम का ध्यान में रखूंगा और उसकी सारी वोट मौलाना को पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होने का, ऐसा होया नहीं करता, कोई किसी की मुट्ठी में नहीं रहता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, वो अपने हिसाब से वोट देता है। कलियर विधानसभा सबसे ऊपर रहेगी हरिद्वार जिले में भाई जी, कलियर विधानसभा सबसे ऊपर रहेगी, सबसे कलियर विधानसभा सबसे ऊपर रहेगी भारतीय, यहाँ से तो लगभग कम से कम 10-15 हज़ार वोटर जीते, 10 हज़ार तक। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, त्रिवेंद्र रावत है ना यहाँ तक, कम से कम 1.5-2 लाख तो जीत गए यहाँ से, क्योंकि हमारे जो दलित समाज उसके साथ लग गया फिर कहाँ पीछे मार खा रहे में। अजी बसपा को भला, ये भी देखो मेरी बात सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया पार्टी है, हर समाज के लड़ाया पार्टी नहीं, हर समाज के साथ है, है देखो मेरी बात सुनो, बहुजन समाज पार्टी थी, दलित समाज के लड़ा दिया, इवन बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ना भारतीय जनता पार्टी अटेंड करी हमने यार, ये नु करी जी मायावती ने बेचारे का कुछ है ही नहीं यहाँ से, मायावती कुछ क्यों नहीं है, क्या कर अच्छा, ये हमारे यहाँ से मोल्ला मौलवी भेज दिया बेचारा, हम क्या करो सर। मुल्ला मौलवी तो कह रहे हैं कि भाई जो 5 लाख मोमडन वोट है, 4 लाख दलित वोट है, तो वो वोट हम पे पड़ जाए तो हम बात है, आप चाहे कहीं भेज दो भाई, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी है सारा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का। मुल्ला को नहीं वोट देने के भाई ना, हम तो हिंदू समाज के आदमी, हिंदू को वोट देंगे भाई। हाँ जी देखो मेरी बात सुनो, बात बना हरीश रावत जी है ना, उनने अपना लड़का लड़ा था, पहले संसद रहे हाँ सी में, जब भी काम नहीं करा उन्होंने, अब फिर उसके बाद है ना मोदी जी आए, जब से है ना सारा काम धना धन होता जा रहा, फादर एक बात और भी, राशन तो मिल रहा, अगर मोदी ने एक बात काम गलत करे थोड़ा है ना, महिला को जो गैस सिलेंडर दें उसके बाद उसका गैस सिलेंडर पैसे बढ़ा दिए और वंग राशन को है ना फ्री कर दिया, कम हो जाएगा सरकार बढ़ने पर, सरकार बढ़ने में कम हो जाएगा बिल्कुल, कम सिलेंडर में पैसे, दो ढाई लाख तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी, अजी 5-2.5 लाख है ना, हाँ देखो 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, अगर इतनी बात है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर अगर है ना नरेंद्र मोदी अगर इनके ज्यादा है ना पहले तो 5 ही थी, अगर 6 भी बेहतर ना 6 को 6 पार कर देते यहाँ से हम, ये तो 5 ही 5 सीटों पर कह रहा, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें ले ली थी, अगर इनका है ना मोदी जी यहाँ से अगर 6 सीट भेज देता 6 की 6 पार कर देते हम, दलित समाज का वोट यहाँ तक कम से कम 20-25 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी पड़ेगा, वो कांडा में मायावती जी के हैं, मायावती जी का कांडे में हमें जी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाई थी तो भाजपा को समर्थन देना चाहिए था उसका। अरे सैन्य भाई मैं तो बता हमने है ना, हम वोट भाई है ना मायावती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं।